हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपका फैब के एग्ज़ाम हुए थे 21 के, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। तो उसमें आपको प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन किस फॉर्म में है? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, जिसमें आपको शो करना है कि यूलर थ्योरम जो है वो ये इस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए होल्ड करती है। तो इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया और प्रूव करो उसमें यूलर थ्योरम को कि भाई, तो आपको ध्यान रखना है क्या होल्ड करता है यूलर थ्योरम में, कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है एल का और के का, ठीक है, इंटू एल इंटू के, वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्शन फंक्शन के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स जो आउटपुट है एक्स, यहाँ पर हमारा आउटपुट है, ठीक है। एल और के हमारे क्या हैं? कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या दे रखा है? एक्स इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फ़ा के की पावर माइनस वन अल्फ़ा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और अल्फ़ा की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करेगी, ठीक है। जीरो से ग्रेटर देन होगी और वन से लेस देन होगी। तो एल हमारा यहाँ लेबर है, के हमारा कैपिटल है और ए और अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, जो हमारा फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन वो किसका फंक्शन है? एल और के का, ठीक है। लेबर और के का जो हमारा आउटपुट है, तो हम इसको टी अमाउंट से इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो टी को लेबर को टी अमाउंट से बढ़ाया, के को भी टी अमाउंट से। तो एक टी की मल्टीप्लाई एल से हो गई, के की मल्टीप्लाई एल से हो गई, ठीक है। होल पावर हो गई अब ये, अभी अल्फ़ा जो है वो टी की भी पावर है और एल की भी पावर है, और वन माइनस अल्फ़ा टी की भी पावर है, के की भी पावर है। तो हमने क्या करा, जो टी टी थे, ठीक है, टी की पावर अल्फ़ा यहाँ से आया लेबर वाले से, और टी की पावर माइनस अल्फ़ा कहाँ से आया? इधर से आया। तो इनको सेपरेट लिख लिया और जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का उसको अलग लिख दिया, ठीक है। एल की पावर अल्फ़ा, के की पावर माइनस वन अल्फ़ा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये दोनों टी किस में है? मल्टीप्लाई में। ये हमने पढ़ा है 8th क्लास में कि जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग होती है और मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो वही चीज़ का इस्तेमाल किया गया। तो टी को हमने एक बार लिखा, बेस हमारा टी है, ठीक है, सेम बेस है, पावर प्लस हो जाएंगी, अल्फ़ा फिर प्लस वन माइनस अल्फ़ा, ये एक पावर है और ये एक पावर है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, टी टू दी पावर वन बचा, ठीक है। फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और ये किसके बराबर है? एल टू दी पावर अल्फ़ा के माइनस अल्फ़ा किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। इतना क्लियर हुआ? तो वीडियो को पूरा एक साथ मत देखना, पॉज करके, इतना समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन करना, ठीक है। फिर जब पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर उसको बिना दुखे सॉल्व करना है, ठीक है। पॉज करके पूरा इकट्ठा वीडियो देखोगे, अगर आपका थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर पॉज कर करके देखोगे। तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमें यूलर थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो हमें यूलर थ्योरम जो इसमें वेरीफाई करनी है उसके लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है और हमें यहाँ पे गिवन भी है। अगर गिवन नहीं होता, खाली प्रोडक्शन फंक्शन लिखा होता और लिखा होता वेरीफाई यूलर थ्योरम, तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है यूलर थ्योरम के लिए, किसमें? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। तो अब हम जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। हमने प्रोडक्शन फंक्शन दोबारा से लिखा, अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। पहले एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ये निकाला। तो एल टू द पावर अल्फ़ा, तो ये हमने डेरिवेटिव में सीखा है, एक्स टू द पावर एन होती है, ठीक है। तो पावर कहाँ जाती है? आगे, फिर एक्स और एन माइनस वन। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या है? एल है, ठीक है। एल में क्या है? अल्फ़ा। ये लिख दिया हमने यहाँ अल्फ़ा, जब हमने इसका डेरिवेटिव करा तो अल्फ़ा माइनस वन, और ये क्या है? के माइनस अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब हम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो के की पावर क्या थी? वन माइनस अल्फ़ा थी। तो वन माइनस अल्फ़ा हमने आगे लिख दिया, ए और एल टू दी पावर अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, के वन माइनस अल्फ़ा, एन माइनस वन है, एन हमारा यहाँ क्या है? वन माइनस अल्फ़ा है और माइनस वन, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
क्लियर हुआ, इसको हमने थर्ड मार लिया। ठीक है, अब इसको अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में अब हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो इसको हम सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव था इनटू में एल था, डेरिवेटिव था इनटू में के था, इक्वल टू में एक्स जो हमारा आउटपुट है। तो हमने क्या करा, जो दोनों एल थे एल की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो इस सब मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट के बाहर है, तो एल वालों को सेपरेट कर लिया, बाकी सेपरेट लिख दिया। ठीक है, सब चीज़ वही है एज इट इज़ है। यहाँ पे के वालों को एक साथ लिख दिया, बाकी सेपरेट कर दिया उससे। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो एक एल की पावर थी अल्फ़ा माइनस वन, हमने लिख दी, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा प्लस, और इस वाले एल की पावर क्या है, वन। ठीक है, अल्फ़ा माइनस वन प्लस वन, और ये वाला ऐसे लिख दिया एज इट इज़। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। अब के में इसकी पावर क्या है, वन माइनस अल्फ़ा माइनस वन, और ये के की पावर यहाँ कुछ नहीं था तो वन लगाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं था तो वन ही है पावर लीनियर फॉर्म में, प्लस में वन। ये तो एक पावर थी, ये दूसरी पावर हो गई प्लस वन, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हुआ यहाँ पे, प्लस वन माइनस वन कैंसिल। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ऐसे यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ एल की पावर अल्फ़ा हो गई, ये एज इट इज़ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी वन से वन कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया एज इट इज़, नोट कर दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या है, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों में एक जैसा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेके यहाँ क्या बचा, अल्फ़ा, अल्फ़ा लिख दिया, यहाँ क्या बचा, वन माइनस अल्फ़ा, बीच में यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस वन माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ वन, और वन की इनटू किसी से भी हो, ठीक है, इससे हुई, तो ये एज इट इज़ आ गया। और ये हमारा क्या था, प्रोडक्शन फंक्शन था, प्रोडक्शन फंक्शन हम देख सकते हैं, दोबारा हम चलते हैं वहीं, ये रहा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो ये हमने इसकी जगह x लिख दिया, और यहाँ x चल ही रहा था कि हमें जो इधर दे रखा था, ठीक है, डेरिवेटिव l और k का, ठीक है, तो वो हमारा किसके बराबर आ गया, x इक्वल टू x, तो एल एच एस बराबर यहाँ आर एच एस हो गई, तो हमारी जो थ्योरम है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।